दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आटे की पानी पूरी। तो दोस्तों आटे की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लेंगे आटा। ये गेहूं का आटा है हमारा, जिसको हमने छान लिया था। अब हम आपको मेजरमेंट करने के लिए एक कटोरी में डाल के इसको दिखा रहे हैं। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं जिससे आपको बनाना है, ज़्यादा बनाना है या कम। हम एक कटोरी का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, बस एक कटोरी ले लेंगे हम। अब इसी के आधे में हम लेंगे सूजी, जिसको बोलते हैं रवा और इंग्लिश में बोलते हैं सेमोलिना। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई मोटे कण इसमें ना रहें। इसको देखिए दोस्तों, इसका अनुपात आप चेक कर सकते हैं। आटा जितना है उसके आधे में हम लेंगे सूजी। ठीक है दोस्तों, बस इसमें हमें कुछ नहीं करना है। पानी डालकर इसको हम थोड़ा थोड़ा गूंद लेंगे। आटा हमारा पतला नहीं होना चाहिए, ना ही सॉफ्ट होना चाहिए। हमारा आटा थोड़ा होना चाहिए टाइट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो पानी पूरी है वो अच्छे से क्रिस्पी बनेंगी, इसी वजह से हम टाइट आटे का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा आटा मुलायम होगा ज़्यादा तो वो क्या करेगा, पूरी की तरह बन जाएगा। तो इस तरीके से हम आटे को गूंद लेंगे और एक पॉलीथिन में रख देंगे। कम से कम 10 से 20 मिनट तक के लिए रख देंगे, कम से कम 15 मिनट तो होना ही चाहिए। बस हम पैक करके इसको रख देंगे इसमें से। और पैक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से गांठ लगा देंगे और गांठ लगाने के बाद ढककर रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको 20 मिनट के बाद खोल के देखेंगे तो हमारा आटा हो जाएगा सॉफ्ट। जब आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तो इस तरीके से निकाल के हम एक बार इसकी और गुंदाई कर लेंगे अच्छे से। इसको इस तरीके से देखिए दोस्तों, आटे में हमारे थोड़ी सॉफ्टनेस सी आ गई है। ऑटोमेटिक हम एकदम क्लीन आटा गूंदेंगे दोस्तों इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा तेल इसके ऊपर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक लोई काट लेंगे। हमें बनाना है रोटी की तरह पानी पूरी। हम करेंगे प्लास्टिक की पन्नी का इस्तेमाल। जो हम पानी पूरी बेलेंगे वो इनको इस पे रख देंगे ताकि ये ख़राब ना हो हमारी। आप चाहें तो एक गीले कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गीले कपड़े का भी इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा आटा सूखने नहीं चाहिए, हमें हवा में आटे को नहीं रखना है। अगर हमारा आटा थोड़ा भी सूख जाएगा तो हमारी पानी पूरी फूलेंगी नहीं। इस तरीके से हल्का सा आटा लगा के हम एक रोटी सी बेल लेंगे, चपाती सी। हमें रोटी ज़्यादा पतली नहीं बेलना, ना ज़्यादा मोटी, मीडियम रोटी बेलेंगे दोस्तों हम। अगर हमारी पूरी ज़्यादा पतली होगी ना तो हमारी पानी पूरी फिर फूलने के बाद जो है वो फटी फटी सी उसमें टुकड़े से होते हैं वो हो जाएंगे। अब हमने एक शेप लेने के लिए इसको कट करेंगे। आप कोई सा भी शेप ले सकते हैं। आप ज़्यादा छोटी पानी पूरी ना बनाइए क्योंकि वो फूलने में दिक्कत देती है। तो इस तरीके से हम एक शेप लेके हम इसको काट लेंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी लोई लेके भी बेल सकते हैं। आपका आटा सूखने नहीं चाहिए, ये बात याद रखिए। आपका आटा सूखने नहीं चाहिए, इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। हमने गीले कपड़े से इसको ढक दिया था प्लास्टिक के ऊपर रख के। आप चाहें तो दोनों तरफ गीले कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने तेल कम लिया हुआ है, ज़्यादा तेल हमें भर के नहीं लेना है। और तेल को कर लेंगे गर्म। हम एक पानी एक पूरी डालकर देखेंगे कि वो फूल रही है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारी पूरी फूल चुकी है। इसी तरीके से आप भी करेंगे तो आपको बस इतना करना है, जो चीज़ नीचे पन्नी में है उसको ऊपर करके डाल देना है, और मतलब तेल के अंदर, ताकि वो फूले। इस तरीके से हमने ये ऊपर साइड है, बस इसी तरीके से जो गीली साइड है वो हम तेल में डालेंगे ताकि हमारी पूरी फूल जाए। और इस तरीके से तेल थोड़ा 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 उनके ऊपर डालेंगे ताकि वो दोनों तरफ से फूल कर आए। आपको ये खास स्टेप्स याद रखना है दोस्तों, ताकि आपकी पानी पूरी अच्छे से फूलें। बस इसी तरीके से हाई फ्लेम पर हम इनको तल लेंगे अच्छे से, और ब्राउन होने तक डार्क। इस तरीके से देखिए हमारी दोस्तों पूरी फूल फूल के आई है ना अच्छे से। इसी तरीके से आप लोग भी बनाएंगे, हम और पूरियों को भी फुला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो मेरे पानी पूरी बनाने में तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो हम आपका कमेंट का जवाब देंगे और आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी परेशानी के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से हम अपनी सारी पूरियों को दोस्तों बना लेंगे। दोस्तों इस तरीके से हम सारी पानी पूरी बना लेंगे। आप इसको रगड़े के साथ, पानी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैंने रगड़ा भी बनाया था, पानी भी। तो दोस्तों मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरी वीडियो को प्लीज़ दोस्तों। आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पानी बनाने के लिए बस आप धनिए को और मिर्ची को, लहसुन अदरक और नमक को पीस लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। आप चाहें तो जीरे का तड़का लगा सकते हैं। बस एंजॉय करिए रगड़े के साथ और आलू भरते के साथ। थैंक यू दोस्तों।